तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के खुफिया हथियारों के बारे में, जिन्हें अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। ICBM मेज़ाइल। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान तैमूर नामी ICBM मेज़ाइल बना चुका है, जिसकी रेंज 7000 किलोमीटर है। इस मुमकिन हथियार से अमेरिका बहुत परेशान है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने अपने दौरे इकतदार में पाकिस्तान को इमदाद के इवज अपने मेज़ाइलों की रेंज कम करने के बारे बात की, जिसे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल राहील के खौफ से ठुकरा दिया। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि इमदाद के बदले पाकिस्तान के मेज़ाइलों की रेंज इतनी कम कर दी जाए कि पाकिस्तान का मेज़ाइल इसराइल तक भी ना पहुँच पाए और इस माहदे से पाकिस्तान का ICBM प्रोग्राम भी ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान का एटमी हथियार दुनिया का सबसे छोटा एटमी हथियार तसव्वुर किया जाता है। सन 2009 में एक इजलास के दौरान जनरल परवेज मुशरफ ने अमरीकी अहदेदारों के सामने एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया कि पाकिस्तान क्रिटिकल लिमिट से कम मकदार में प्लूटोनियम को इस्तेमाल करते हुए एटमी हथियार बनाने में कामयाब हो गया है, जिससे अमरीकी अहदेदार बहुत परेशान हो गए। गोया के परवेज मुशरफ ने अमरीकियों के सामने हालात की नज़ाकत को देखते हुए इंकशाफ तो कर दिया, लेकिन पाक फौज ने बाकायदा तौर पर इस हथियार की तस्दीक नहीं की और इस राज को खुफिया रखा जा रहा है। कमर्शल तैयारों से एटम बम गिराने की तरमीम। इंतहाई मोहतात अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर चंद कमर्शल तैयारों में ऐसी तब्दीलियां की हैं जिसकी बदौलत इनके जरिए किसी भी दुश्मन मुल्क पर हिरोशिमा और नागासाकी तर्ज का एटमी हमला किया जा सकता है। और तैयारों में की गई तब्दीलियों का डिज़ाइन इस कदर मुख्तसर है कि कोई तैयारा साज कंपनी इस तब्दीली को नहीं समझ सकती। तकनीकी तौर पर यह बिल्कुल मुमकिन है। हाइड्रोजन बम। एक मुनज़्ज़म अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान ने सन 2012 में हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था। अगरचे हाइड्रोजन बम से मुतलक फौज की जानब से कोई बयान नहीं आया, बाज अमरीकी माहरीन के मुताबिक 3 सितंबर सन 2017 को शुमाली कोरिया ने जिस हाइड्रोजन बम का तजर्बा किया है, इसकी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया को फरोख्त की है। न्यूक्लियर ट्राइपोडो। न्यूक्लियर ट्राइपोडो एक ऐसा हथियार है जो ज़ेर समंदर आबदोज की तरह सफ़र करके समंदर में मौजूद किसी भी बहरी बेड़े या आबदोज को खुफिया तौर पर तबाह करता है। मुमकिन तौर पर पाकिस्तान ने आम ट्राइपोडो की तरह एटमी हथियार से लैस ट्राइपोड तैयार कर लिया है, जिसे खामोशी से दुश्मन की वसी और बंदरगाह या समंदर में मौजूद बड़े पैमाने पर बहरी बेड़ों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वाज़ेह रहे, सोवियत यूनियन ने सन 1955 में न्यूक्लियर ट्राइपोड का कामयाब तजर्बा किया था, जबकि पाकिस्तान के लिए इस किस्म का हथियार तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। सोलर ड्रोन। सन 2015 में एक खबर अखबारात की जीनत बनी, जिसमें बताया गया कि इस्लामाबाद में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तालबिलमों ने सोलर ड्रोन तैयार किया है। और ये इत्तलात भी मिली कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के ज़ेर निगरानी सोलर ड्रोन की तैयारी पर बाकायदा काम शुरू कर दिया गया है। बाद अज़ां इस खबर को मंजर-ए-आम से गायब कर दिया गया और गुमान किया जाता है कि इस अहम प्रोजेक्ट को अब खुफिया तौर पर सर अंजाम दिया जा रहा है। वाज़ह है कि सोलर ड्रोन मुस्तकबिल में सेटेलाइट की जगह ले लेंगे, क्योंकि सोलर ड्रोन कई माह के तवील अरसे के लिए इंतहाई बुलंदी पर मुसलसल खुदकार तरीके से परवाज कर सकते हैं और दुश्मन के इलाकों से मुतलक अहम मालूमात पहुँचाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं।